त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 40% तक की कमी आई है। 2 महीने पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण बिगड़े हालातों के चलते ड्राई फ्रूट्स की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं, लेकिन आयात बढ़ने के कारण इस महीने लगातार कीमतें घट रही हैं। सितंबर में 1100 रुपये किलो तक पहुँच गए बादाम की कीमत इन दिनों 600 से 700 रुपये किलो तक आ गई है। काजू, किशमिश सहित अंजीर के दामों में अच्छी खासी कमी आई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बीच त्योहारों के समय ड्राई फ्रूट्स के दाम गिरने से आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। ड्राई फ्रूट सस्ते होने से इनसे जुड़ी मिठाई की कीमतों में भी कुछ कमी आना तय ही है। दिवाली के दौरान उपहार स्वरूप ड्राई फ्रूट्स देने की परंपरा निभाना भी आसान होगा। देश में ड्राई फ्रूट्स का आयात मुख्य रूप से अफगानिस्तान से होता है। वहाँ के हालात बिगड़ने पर बड़ी मात्रा में माल अलग अलग पोर्ट पर अटक गया था। स्थितियाँ सुधरने पर आयात सुधार हो रहा है। हाल ही में कैलिफोर्निया से करीब 1700 कंटेनर बादाम के भारत के लिए रवाना किए गए हैं। आवक बढ़ने के चलते भी यहां कीमतें गिरी हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि दिवाली के बाद कीमतें और कम हो सकती हैं। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। सियागंज में कुछ लोग बिना पक्के बिल के भी ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करते हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते गड़बड़ियाँ कम हैं। अधिकांश व्यापार एक नंबर में किया जा रहा है। व्यापारी अधिक स्टॉक नहीं कर रहे, पर्याप्त माल होने के कारण कीमतें कम हुई हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 40 से 50% तक की कमी आई है। अगस्त में अच्छी क्वालिटी की अंजीर की कीमतें 1500 रुपये किलो तक पहुंच गई थी, जो इन दिनों 750 से 800 रुपये किलो तक हो गई हैं। जो बादाम अगस्त के अंत तक 950 से 1100 रुपये तक मिल रहा था, अब उसकी कीमत घटकर 600 से लेकर 700 रुपये किलो हो गई और अन्य ड्राई फ्रूट्स के भावों में भी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।